हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज का मेरा टॉपिक क्या है, सी यू सेट एग्ज़ाम हुआ था अभी 2021 में, उसका सॉल्यूशन मैं डाल रही हूँ। तो ये मेरे पास सेकंड पार्ट है। इसमें क्वेश्चन क्या आया हुआ था, क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या चेंजेस आते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक हो जाता है, या पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है डाईमैग्नेटिक हो जाता है, या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाईमैग्नेटिक हो जाता है, या पैरामैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक हो जाता है। क्यूरी टेम्परेचर के बाद की कंडीशन है। तो क्या होता है इन एग्जैक्ट, जो है क्यूरी टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक बन जाता है, जो कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। अब वो क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। होता क्या है, जैसे ही मेरा क्यूरी टेम्परेचर हुआ तो जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स की अलाइनमेंट थी डोमेन्स के अंदर, वो ब्रेक कर जाती है। इस तरह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपना करेक्टर को लूज़ कर देता है, वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वार्ट्स मटेरियल है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस मुझे दिए हैं। तो क्वार्टर वेव प्लेट की क्या थिकनेस चाहिए जब मैं वेवलेंथ क्या यूज़ कर रही हूँ, 589 नैनोमीटर। सबसे पहले क्वार्ट्स मटेरियल मेरे पास पॉजिटिव क्रिस्टल होता है। जब मेरे पास डबल डिफ्रेक्शन फिनोमिना हो रही है, जिसमें मेरे पास दो रेज मिलती हैं, ऑर्डनरी रेज और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेज, तो ऑर्डनरी रेज का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम डिनोट करेंगे म्यू नोट से, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा म्यू ई से। तो जब मेरे पास पॉजिटिव क्रिस्टल की बात मैं कर रही हूँ, क्वार्ट्स इन्होंने क्यों यूज़ किया यहाँ पे, कि उस केस में हमारे पास म्यू ई क्या ग्रेटर देन होता है म्यू नोट से। तो यहाँ पे जो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट कोरस्पॉन्ड्स टू म्यू ई, एंड लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोरस्पॉन्ड्स टू म्यू नोट। तो अब जो है क्वार्टर वेव प्लेट है जिसमें मेरा पाथ डिफरेंस लेमडा बाई फोर होता है, इसकी थिकनेस का क्या फॉर्मूला होता है, लेमडा बाई फोर इंटू डिनोमिनेटर में म्यू ई माइनस म्यू नोट। तो लेमडा मेरी क्या थी, 589 नैनोमीटर में थी, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, होल डिवाइडेड बाई फोर, दोनों का डिफरेंस लिया, और ये सोल्व करने के बाद मेरा क्या आ रहा है, 0.163 माइक्रोमीटर। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने ग्लास की प्लेट थी उस पर लाइट डाली और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, 1.732। किस एंगल पे, पोलराइजिंग एंगल पे। तो मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। पोलराइजिंग एंगल को मैं अपना आई पी एंगल कह रही हूँ, जो कि इंसिडेंट एंगल है। अब ब्रूस्टर्स ला मेरा क्या कहता है, म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कैसे रिलेट करता है पोलराइजिंग एंगल से, टेंजेंट ऑफ आई पी। तो आई पी मेरा हो गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू। तो यहाँ से क्या है, म्यू मेरे पास गिवन है 1.732, तो आई पी की वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1.732 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरा 60 डिग्री हो गया। अब मुझे रिलेशन पता है, आई पी पोलराइजिंग एंगल प्लस रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है रिफ्रैक्शन का है वो क्या होता है, दोनों का सम 90 डिग्री। तो आर मेरे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस आई पी, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन है कि जो इंसिडेंट एक्सरे का वेव वेक्टर है वो कैपिटल के है, लेकिन जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो क्या है, कैपिटल जी। तो ब्रेग रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, वो होती है 2k·g इज इक्वल टू जी स्केयर, ये कंडीशन होती है। तो थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आया हुआ था, डायरेक्ट ही क्वेश्चन था, आई थिंक ये तो आप सबने ही ठीक किया होगा। क्वेश्चन मेरे पास था, फेस शिफ्ट क्या होगी, इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। सी किसको कोरस्पॉन्ड करता है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को। उसकी जो इनपुट वोल्टेज हमने दी और आउटपुट वोल्टेज मिली, उनके बीच में क्या फेज डिफरेंस रहा था, वो होता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, 180 डिग्री। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं इसमें, ये भी ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। दी ऑर्डर्स ऑब्जर्व बाय ए ग्रेटिंग हैविंग 4000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए क्या है, 4000 लाइन्स पर सेंटीमीटर है, वेन इल्यूमिनेटेड नॉर्मली वर्ड यूज़ कर दिया बाय विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ, रेंज मेरी कहाँ से है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। तो ऑर्डर्स की रेंज क्या होगी, ये आएगी 2 से 4 आनी चाहिए, 1 से 2, 1 से 3, 5 से 6, दोनों वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स निकाल लेते हैं और वो कहाँ से कहाँ लाई कर रही है।
तो हमें पता है ग्रेटिंग लो क्या होता है, ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, अब क्वेश्चन में यूज़ किया हुआ है, नॉर्मली डल रहा है तो थीटा मेरा क्या हो गया 90 डिग्री, ए प्लस बी क्या होता है 1/n, n मेरी क्या होती है नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर ऑन ग्रेटिंग, तो a प्लस बी की जगह मैंने 1/n रखा, साइन 90 इज इक्वल टू एन 1 इंटू लैम्डा। पहले हम अपनी लैम्डा को रखेंगे 400 नैनोमीटर जिसके कोरस्पॉन्ड एन 1 आएगा, जब लैम्डा को 700 नैनोमीटर रखेंगे तो एन 2 आ जाएगा, तो लैम्डा मैंने रख दी 400 नैनोमीटर, तो n मेरा क्या हो गया यहाँ से 1/n, n मेरा 4000 इंटू लैम्डा है मेरी 400 इंटू 10^-7 सेंटीमीटर, नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये आ गया मेरे पास 100/16 नियरली इक्वल टू 6.1 आ रहा था, तो किसके नियरली इक्वल टू है ऑर्डर तो 6। इसी तरह से लैम्डा इक्वल टू 700 नैनोमीटर लेंगे एन टू 1/n मेरा 4000 लाइंस पर सेंटीमीटर, लैम्डा मेरा 700, तो आप याद रखें लाइंस मेरी पर सेंटीमीटर में है तो नैनोमीटर को आप भी मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, ये यूनिट आपको याद रखनी है। तो 100/28 नियरली इक्वल टू 3, तो 3 to 6 आ रहा है मेरा, और ये मेरे पास ऑप्शन में है, यस इट इज़ इन ऑप्शन 4th इज राइट। इस तरह से मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए, यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, थैंक्स अगेन।